मैं ये जिहड़ा हर्बल गार्डन का कॉन्सैप्ट जिहड़ा आ ये तैयार किया क्योंकि मैं भी बीमार होया सी, मैं भी हर्बल दवाइयां दे नाल ही ठीक होया सी। तो सो ये पिछले साल असी जिहड़ा ये 2.5 एकड़ दे विच ये हर्बल गार्डन चालू किया। जिदा हुण मलट्ठी आ, अश्वगंधा आ, उस तो अलावा मिठा रीठा आ, मुश्कपूर है। हुण लोगों को ही नहीं पता मुश्कपूर कैमिकल है, एक प्लांट है। अपना ड्रैगन फ्रूट है, मघा ने, तो मलट्ठी का तुहानूं दस्सिया ही है। सो इस तरह दीआं बहुत सारे जिहड़े पौधे ने, बहुत सारे पौधे लगे हुए। साडा टीचा है पिंडां दी आबो हवा ठीक है। जिहड़ा अज दा टैंपरेचर है वह प्लांट्स के कम होने करके भी जिहड़ा टैंपरेचर बहुत वध जांदा वा, तो इसनू किदां जिहड़े लोकी ने ओवरकम करनगे? वह जिहड़ियां गल्लां ने ना मेरे हिसाब नाल सब फजूल गल्लां ने। ना तो धरती ते पानी दी टिप घटनी है ते ना वधनी, सिर्फ मैनेजमेंट है। इसे तो जिहड़ा टैंपरेचर है कुदरत अपने आप कंट्रोल करती है, उन्हें कदे वधाउणा हुंदा कदे घटाउणा हुंदा। कुदरत साढ़े अनुसार नहीं चलती, वो अपने बैलेंस अनुसार चलती है। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइनस। अज तुहानू एक ऐसी शख्सियत नाल मिलावांगे जिहड़े हमेशा इनवायरमेंट तो आपां हमेशा कुछ ना कुछ लैंदे ने, पर वो इनवायरमेंट नू देण दी गल करदे ने कि असी इनवायरमेंट नू की देण की दे रहे हां। तुहानू असी अज रूबरू करावांगे। अज साडे नाल मौजूद ने जनमेजा सिंह जोहल जी। थानू दस देवां कि जनमेजा सिंह जोहल जी ने जिहड़े ये लैंग्वेज दे बहुत माहिर ने, जिहड़ी कंप्यूटर दे विच पंजाबी लैंग्वेज आई है वह भी इन्हां तों स्टार्ट हुई है, तो इन्हां ने स्टार्ट की है। तो थानू दस देवां कि ये एक फट्टी भी इन्हां दी है भी पंजाबी मेरी माँ बोली है। इस दे अलावा इन्हां दे तकरीबन 54 जिहड़े बुक्स ने वह भी बच्चों लिए आ चुके ने। पर असी अज जिथे पहुँचे हैं वो एक अलग विशा है, विशा अलग है, इनवायरमेंट की गल करांगे आपां। थानू दस देवां कि कुछ साल पहला जदों सारिया के जिहड़े कि परिवारक मैंबर जे कोई छड़ जांदा वा तो वो विछोड़ा सहना जिहड़ा है कि बहुत औखा हुंदा वा, पर जदों जनमेजा सिंह जोहल होरां दे जिहड़े लाइफ पार्टनर ने जदों वो छड़ गए सी, तो उस तो बाद दी थानू स्टोरी असी दसांगे किस तरह इन्हां ने अपना ध्यान किसी होर पासे लाउण दे लई एक नर्सरी तैयार की अपनी सोसाइटी नूं देण वास्ते। ते तकरीबन 400 बूटे जिहड़े हजे तक वह लगा चुके ने, ते 150 किस्मां दे थानू दस दांगे। असी थानू होर डिटेल जानने की कोशिश करांगे। साडे नाल मौजूद ने जनमेजा सिंह जोहल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर जिहड़ी ये इनवायरमेंट की तुसी स्टार्टिंग की है, इनवायरमेंट नूं कुछ देण दी गल कह रहे हो, ये कदों तो स्टार्टिंग की है, तो थोड़ी जी स्टोरी आप जान। वैसे तो यह जी चीज़ा होंगे ने शुरू तो ही थोड़े अंदर होंगे ने, पर जिमें कहते कि घर के असी बिजली तो ला लें, बल्ब भी ला लें, पर स्विच नपना पैंदा, ठीक है। सो इस तरह कई बार जीवन दे विच तुहाडा कोई ना कोई स्विच नप हो जाता, और उस स्विच जिहड़ा आ उह जरूरी नहीं कि सुखद ही होवे, दुखद भी हुंदा। तो इस तरह पिछले साल अप्रैल दे विच मेरी वाइफ की सो कॉल्ड करोना दे विच डैथ हो गई सी। तो फिर मैं सोचा कि भी क्यों ना कुछ इहो जिहा कीता जावे भी साडा एनवायरमेंट ही वधिया होवे तां कि होर लोग जिहड़े आ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਬਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਰਡਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2.5 एकड़ दे विच ये हर्बल गार्डन चालू किया, और ये तकरीबन 400 किस्म दे 400 दी गिणती दे तो वध दे बूटे हैगे आ तरह तरह दे, ते 150 किस्म दे करीब बूटे हैगे आ, प्लस हर्बज ने, ते होर जिहड़ा हाले ये इनक्रीज़ हो रहा हैगा। ते उस तरह यह शुरू होया जिहड़ा काम है, इस नूं बड़ा वधिया हुंगारा मिल रहा, सारिआं वल्लों सहयोग मिल रहा,
और इत्थे आके जिहड़े हर बंदा आ खुली हवा दे विच ते पौद्यां दी महक दे विच ओह खुशी महसूस करदा। सर जदों सो कॉल्ड करोना दे विच जदों इह भाणा वरत्या उस समय की अंदरों आए कि आपां इस पासे नूं देखो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस बहुत हार्ड टाइम ये आप नहीं कह सकते भी हूँ आया ज आ नहीं आया इस तरह नहीं हुंदा। ये को पिछला जो एक्सपीरियंस है थोड़ा इतिहास है वह भी पिया हुंदा ते फिर ये गल जी निकलती है जिमें हुण फर्ज करो जमीन पई आ 1980 की जमीन पई आ खाली छड़ी हुई भी इतने कुछ यहो जहा करांगे जिहड़ा लोक भलाई लई होएगा भी एक स्टेज पर भी सोचा सी भी कल्ला सुहांजना ही ला दिओ सारा पर फिर जदों हुण ये घटना वापरी तो उदू बाद मन च आया भी इहनूं सीरीयसली इमीजिएटली शुरू किया जाए और ये वरायटी लाई जाए ताकि लोग जिहड़े आ वो जाण सकण कि कहड़ी चीज़ किदां आ क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने खेतों के कोई एक्सपैरिमेंट करना उन्होंने पैसे टके का रौला हों पर लेकिन सानू परमात्मा रोटी देई जांदा ते इस करके असी ये सोचा कि भी इत्थे जिहड़े आ ये तजर्बा जिहड़ा आ ये किया जाए और जिहड़ा तजर्बा कामयाब हो जाएगा वह लोगों नाल शेयर करांगे और लोग शेयर कर भी रहे इत्थे तकरीबन जब असी आए तो देखिया कि अंजीर वगैरह तो होर भी बूटे लगे हुए हैं इत्थे होर किहड़े-किहड़े जिहड़े मेन है वो तुसीं बूटे लाए मेन तो परमात्मा ने हर बूटे नूं मेन ही बनाया हुंदा पर जिदा हुण मलट्ठी आ अश्वगंधा आ उस तो अलावा मिठा रीठा आ मुश्कपूर आ हुण लोगों नूं ये नहीं पता मुश्कपूर कैमिकल है एक प्लांट है ना मेहंदी आ ते इस तरह बहुत सारे तौण है सेब है अपने अंगूर है ते अपने की कहिंदे उहनूं शतूत है ते रहूड़ा आ वण है उस तो बाद जिहड़ा अपना जंड है इस तरह ट्रडिशनल भी आ 27 किस्म का सिटरस है तो जामना भी आ जामना दे नाल जमुआ भी आ सो इस तरह दियां बहुत सारे रुख ने जिहड़े साडे लगे हुए ने एवकैडो है अपना ड्रैगन फ्रूट है मघा ने ते मलट्ठी दा तुहानूं दस्सिया ही आ सो इस तरह दियां बहुत सारे जिहड़े पौधे ने बहुत सारे पौधे लगे हुए आ। इस दी ए हर्बल गार्डन दी कोई संस्था भी बनाई गई है या किस तरह इसका जिहड़ा प्रोसैस है वर्किंग हैगी है इस हर्बल गार्डन दी? नहीं कोई संस्था नहीं बनाई ना ही कोई बनाने की इच्छा है क्योंकि मोस्टली मैं देखा भी जिहड़ा काम है वो इंडिविजुअल ने करना हुंदा एक अद्धे नहीं करना हुंदा चाहे कोई संस्था ही हो भी बंदा एक अद्धा हुंदा करन वाला हुंदा बाकी तो प्रधानगियां जां चौधर च पै जांदे आ वो मुड़ के जिहड़ा काम हुंदा वड्डियां वड्डियां ऑर्गेनाइजेशनां जिहड़ियां ने मैं डुबदियां देखियां ने। गल करिए कि फोटोग्राफी दे सिर ते भी जनमेजा सिंह जोल होरां ने काफ़ी विदेशों में नाम कमाया वा तो पंजाब का जिहड़ा नाम है वह विदेशों तक पहुँचाया वा धरती नाल जुड़े हुए ने नेचर नूं प्यार करन वाले फोटोग्राफी का जिहड़ा तुहाडा सफ़र है उस तो तुसीं हट के इधरले पासे क्योंकि फोटोग्राफी ने बहुत नाम दिता। हाँ जी बहुत दिता फोटोग्राफी ने दिता लिखता ने दिता बाल साहब ने दिता कंप्यूटर ने दिता मैं 1970 तो कंप्यूटर दे विच आ कंप्यूटर लाइन दे विच नाम तो सारे पासे हुंदा लेकिन एक बंदा जिहड़ा हुंदा इक्को काम करदा करदा तो बोर हो जाता बाकी ये हुंदा भी परमात्मा ते डिपेंड करदा कि वो तुहाडे तो किहड़ा कार्ज कदों करवाउणा चाहुंदा हर उम्र हुंदी आ हुण मैं ठीक है फोटोग्राफी करदे हुण भी मैं कल परसों ही आया हाले लेह लद्दाख ते कश्मीर तो फोटोग्राफी करके ते पर फिर जिहड़ा जिहड़ा कुदरत नाल वो भी फोटोग्राफी भी तो कुदरत नाल ही मोह आ ये सारा कुछ घुम घुमा के उत्थे आ जांदा जिधरों दी मर्जी आ जाओ सो ये कोई अलग नहीं आ ये तो स्टैप ने एक पौड़ी दो पौड़ी तीन पौड़ी चार पौड़ी पांच पौड़ी छे पौड़ी पौड़ियाँ मिली जानी ने तुसी चढ़ी जाओ। इत्थे जिहड़े बाहर दे लोकी ने जिहड़े जे वह जुड़ना चाहुण ते ओ किदां इत्थे जुड़ सकदे ने ते प्लांट्स वगैरह भी उन्हां लई कुछ अवेलेबल ने? नहीं इदां असीं हले कोई सेल नहीं करते लेकिन साडी फ्यूचर दे विच प्लान हैगी आ जां कुछ संस्थावां सानूं कहिंदियां ने कि तुसीं इहनूं इक सेंटर पॉइंट बनाओ ते जिथे असीं प्लांट्स लैके रख दईए ते जिहड़ा लोड़वंद आ ओह लै जावे असीं इहनूं कमर्शियल नहीं बनाउणा चाहुंदे ते ना ही साडे तों बणने आ बिजनेस नहीं सानूं आउंदी करनी ते जिहड़ियां संस्थावां ने ओह अपने लैवल उत्ते जिहड़ी संस्था वा कुछ कर सकदी आ ओह गल कर लवे जिहड़ी उह चों जिहड़ी चीज़ चों पैसे दा मुश्क नहीं आउंदा जिहड़ी चीज़ चों बेईमानी होण दी स्कोप ना होवे ओह असीं करन नूं तैयार आ ओह कुछ भी हो सकदा
तो जिहड़ी संस्था कोई भी हैगी अगर वह करना चाहती है कुछ करना चाहती है असीं उन्हें हैल्प करांगे। सानू किसी पैसे की लोड़ नहीं ना। पंजाब दे विच लुधियाणा दे विच जिहड़े 916 पिंडां दा वी तुहाडे कोल कोई प्रोजैक्ट तैयार है भी जिहड़े सुंदरीकरण दा तुसीं प्रोजैक्ट की गल कर रहे हो कि पूरे लुधियाणे नूं इक अलग दिशा वल लैके जाणा? इस देखो लुधियाणे नूं असीं पायलट दे तौर ते लवांगे। पंजाब च तकरीबन 10,000 तो उत्ते पिंड ने, 12,000 किन्ने तो लिस्टड ने पर विचों गुआचे होंगे पिंड जां जिहड़े बेच रागे होंगे आ, क्योंकि 10,000 पिंड आ लुधियाणे च भी 916 पिंड ने कागजां दे विच, वो सारे की लिस्टिंग साढ़े को हैगी आ। असीं लुधियाणे नूं इक पायलट के तौर पर चलांगे। बाकी साडा पिंडां नूं सुंदर करन दा टीचा नहीं हैगा, ये स्पष्ट कर लीए। सानूं साडा टीचा है पिंडां दी आबो हवा ठीक करन दा, आबो हवा ठीक करन दा टीचा है साडा। उहदे लई असीं जिहड़ा हैगा जिदा जिदा सानू कोई सपोर्ट मिलेगी या जिदा जिदा साडे नाल बंदे जुड़नगे तां जुड़ना चाहणगे असीं उहनां नूं गाइड करांगे जां उहनां दी हैल्प करांगे किसे ना किसे तरीके ते वी सारे पिंडां दे विच जिहड़ा आ उह घट्टो घट जिन्ने रिक्वायर्ड रुख है, चाहे 50 चाहे 100, कई पिंड रुख है बहुत रुख लगे हुए, बड़े लोग सियाने भी ने, बड़े मतलब यहोजे लोग भी ने जिहड़े कंसर्न ने और करना भी चाहते हैं, तो साढ़े ना भी कई बंदे कंटैक्ट है। असी पहला 5-10 पिंड जिहड़े एक पायलट के तौर पर करके लोगों को दिखावांगे कि आ चीज़ हो सकती है। और एक तुहानूं मैं गल दस दिंदा कि पंजाबियों का कसवा आ, जे चंगी चीज़ उन्होंने पसंद आ गई तो फिर उन्होंने कम कर तो रोक कोई नहीं सकता, फिर मैनू नहीं किसी ने पूछना, फिर उन्होंने आप ही कर लेना धक्का देना, फिर वह पूरे जोश नाल काम कर दिया। तुहानू एक ट्राली की लोड़ है, 10 ट्रालियाँ खड़ियाँ होणगियां, तुहानू एक बंदे की लोड़ है, 20 बंदे खड़े होणगे इस वा, पर वह तां ही आ जेकर तुसी उन्होंने पॉजिटिव वाइब्स दिओ और तुसी उन्होंने बिल्कुल जैनुअन जिहड़ी चीज़ आ स्पष्ट दिखती होवे कि आ चीज़ आ, इहदा खर्चा आ, इदा आ, इन्हां ने किया आ, इदा होनी है, आ बेनीफिट आ। सो सानू 5-7 पिंड जिहड़े आ पहला पायलट के तौर पर कुछ आइडेंटीफाई किए हुए ने पिंड, इस वेले कुछ ना गल चल रही है, 5-10 पिंडां दे आइडेंटीफिकेशन करके असी जुलाई अगस्त के उन्होंने करके उदों बाद फिर अगे चलांगे। डॉक्टर साहब टैंपरेचर नू लैके की कहोगे, क्योंकि जिहड़ा अज दा टैंपरेचर है वह प्लांट्स के कम होण करके भी जिहड़ा टैंपरेचर बहुत वध जांदा वा, तो इस नू किदां जिहड़े लोकी ने ओवरकम करनगे? ओ ये जिहड़ियां गल्लां ने ना मेरे हिसाब नाल सब फजूल गल्लां ने, ना तो धरती ते पानी दी टिप घटनी आ ते ना वधनी आ, सिर्फ मैनेजमेंट आ। इस तरह जिहड़ा टैंपरेचर है कुदरत अपने आप कंट्रोल करदी आ, उन्हें कदे वधाउणा हुंदा कदे घटाउणा हुंदा। ते जे फर्ज करो अज हुण एक हवा चलण लग पै तुहाडे करोड़ां एसी नहीं उहदे बराबर कर सकदे, आपां दरख्तां थल्ले बैठे सी किड्डी वधिया हवा चलदी सी, ना कंध ना कुछ होर बड़ी वधिया। कुदरत ने अपना बैलेंस रखना हुंदा, कुदरत साडे अनुसार नहीं चलती, वो अपने बैलेंस अनुसार चलती है। रुख लाने एनवायरमेंट दे नू हेल्पफुल है, लेकिन ये कह दईए कि रुखा करके टैंपरेचर, धरती तो एड्डी वड्डी आ। अब मैं हुण ले जाके आया उत्थे लखां मील एरिया जिहड़ा स्क्वेयर मील एरिया वो बंजर पिया, रुख ही है नहीं गा, तो इहदा मतलब उत्थे कुछ भी नहीं गा, उत्थे हवा नहीं चलती, सब कुछ है। एक कुदरत की खेड है, ये अपने हाथ वस नहीं हैगी, आपां तां अपने वल्लों उहदे च योगदान पाउणा थोड़ा। पर जे कह दईए भी रुखां दे कट्टण करके, हाँ शहर च मन्निया भी शहर च सीमेंट आ गया ज़्यादा, लोहा ज़्यादा आ गया, वह तप जाता, गर्मी वध जाती है, पर जिते आपां खड़े किड्डी सोहणी हवा चलती है। रुख हालांकि खेतां दे विच हुण जे कह दईए हर खेत च रुख ला दिओ तां फिर खेती किद्दां होऊगी, क्यों जी? ते उहदी जिहड़ी साउथ साइड है उधर खेत ते लग गया, तां जिहड़ी जिन्हां दी साउथ साइड है उहनां दे तां खेत फसल ही नहीं होणी। तो मतलब सानू बैलेंस दे नाल चलण दी लोड़ है, लेकिन एडा भी घबराउण दी गल नहीं हैगी। कोई भी अपना कार्य करते रहो, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। सो ये सन जनमेजा सिंह जोहल जी जिन्हां नाल असीं गलबात कीती। हर्बल गार्डन लगाया है इन्हां ने, ते जिहड़े इदां ही बेहतरी लई काम कर रहे ने लुधियाणा नूं पायलट जिहड़ा बनाना चाहते ने आबो हवा ठीक करन दे लई। कैमरामैन करन दे नाल मोहम्मद सोहराब।